अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्यूअर्स, आज के मेन्यू के अंदर हमारे पास है चिकन के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े, फ्राइज, और सॉस के अंदर है मायोनीस, केचप, पुदीने की चटनी, और ड्रिंक के अंदर है पाइनएप्पल जूस। बहुत मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें लग रही हैं, तो बिना देर करने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम शुरू करते हैं चिकन पकोड़े से। इसके अंदर तो इसका चिकन है इतना कोई सॉफ्ट है, और इसके ऊपर जो बेसन की लेयर है वो इतनी क्रिस्पी है। चटनी का कॉम्बो से पकोड़े के साथ ही अच्छा लगता है। चलो हम प्याज के पकोड़े की तरफ आते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं केचप के साथ। इसके अंदर जो प्याज की फिलिंग है, और इसके जो अपने अलग से इसमें मसाले और जो पुदीना है इसके अंदर, इतना कोई मज़ा आ रहा है इसको खाने के अंदर। देख सकते हैं इसमें जो मसाले हैं अपने, थोड़ा तो कोई टेस्टी लग रहे हैं केचप के साथ। चलो अब चलते हैं मिर्ची की तरफ। हम ट्राई करते हैं केचप के साथ। मिर्ची के पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, तो दोबारा हम दोबारा मिर्ची के पकौड़े खाते हैं। अब हम ट्राई करते हैं आलू के पकौड़े। आप इसकी क्रिस्पीनेस देख सकते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं चटनी के साथ। चलो फ्राइज टेस्ट करते हैं। इतने कोई क्रिस्पी नहीं है और इतने कोई टेस्टी है, तो मायोनीज के साथ टेस्ट करते हैं।
मिर्ची के अंदर फिलिंग है, ये इमली की फिलिंग है, इमली की चटनी की, इतनी भी टेस्टी लग रही है। लास्ट बाइट
सो व्यूअर्स, मुझे आलू के पकोड़े मतलब सही थे, इतने खास नहीं लगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आइडियाज़ कमेंट्स में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस मकबैंग फूड के ऊपर डालूँ। अल्लाह हाफिज़।